हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक साल फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन देश भर के सभी ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, जहां वह शिवलिंग का जलाभिषेक विधि विधान से करते हैं। इसके साथ ही भोग एवं प्रसाद के रूप में वह कई सारे कंदमूल फल भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, जिनमें पहाड़ में उगने वाला टेड़ू यानी कि तरुण काफी प्रमुख है। कंदमूल में तरुण की खास पहचान है। यह जमीन से करीब 2 से 3 फीट की नीचे जमीन में उगता है। खास बात तो यह है कि पहाड़ हो या मैदान, सभी जगह यह आसानी से मिल जाता है। जो हम बेसिकली यहाँ पे ऋतु फल के हिसाब से दिया जाता है, और जो यहाँ कंदमूल है, जैसे हमारे आलू हो गए, टेड़ो हो गया, पिनालो हो गया, अरबी हो गई, इस तरह से कंदमूल या सीताफल हो गया, जिसके हमारे यहाँ कद्दू भी बोलते हैं, इनके फलों का जो भोग लगाया जाता है, चौलाई हो गई, उनके खील बना करके शिव जी को अर्पण किया जाता है, और जो भी सफ़ेद पुष्प हो अपने आरोग्य कामना के लिए शिव जी को इसलिए अर्पण करते हैं, और दिन भर फलाहार ही भी आदमी भी फलाहार ही रह करके शिव जी को फलाहार का भोग लगाते हैं। ये जो जंगली होते हैं, जो जंगल में मिलने वाले फल होते हैं, पिनालू तेड़ू इत्यादि, ये कम से कम 2-3 मीटर गहराई पे भी खोदना पड़ता था, बड़े परिश्रम की ज़रूरत है इसको। और जो अब नेचुरल बेसिकली जो घरों में होते हैं, घरों में भी लोगों ने बहुत में लगा दिया है यहाँ पे, और पिनालू तेड़ू और अरबी जिसको साधारण भाषा में प्रयोग करते हैं, इनका बहुतायत से भोग लगाया जाता है, और ख़ासतौर से मुख्य रूप से जो है आलू के गुट के मनाते हैं इधर। तो पहले से किंवदंतियाँ है, लेकिन परिश्रम ज़्यादा पड़ता था, इसलिए कहते थे कि किसी को मिल जाए, जिसने ज़्यादा परिश्रम किया क्यों नहीं मिलेगा, जो परिश्रम करेंगे तो मिलेगा, अवश्य मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलेगा, परिश्रम की ज़्यादा हो सकते, जो परिश्रमी व्यक्ति था उसके पास खूब लगते थे, ऐसा नहीं है। गौचर निवासी पंडित मदन मैखुरी कहते हैं कि पहाड़ों में महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को तरुण, आलू, पिंडालू इत्यादि कई भक्त चढ़ाते हैं। उसका कारण भगवान का फलाहारी होना है। वह कहते हैं कि भोलेनाथ हिमालय क्षेत्र में रहते हैं, जिस कारण वह कंदमूल फल इत्यादि खाते हैं। लोकल 18 के लिए चमोली से सोनिया मिश्रा की रिपोर्ट।